नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश के तहत 755वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ साइलेंट लेटर, जो कि पी टी यू और डब्लू से शुरू होते हैं। एक्चुअली एक ऐसे वर्ड मीनिंग में ये आते हैं, शुरू नहीं होते हैं। कभी कभी आप शुरू भी आप देखेंगे, कभी कभी बीच में भी या कभी कभी अंत में भी। तो इनको लेकर जो भ्रांतियाँ हैं, जो आप अटक रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि भाई कैसे इसको पढ़े और गलत उच्चारण कर पा रहे हैं। बहुत ही छोटे छोटे वर्ड मीनिंग को, फेमस को भी जो है गलत उच्चारण कर पाते हैं, या हो सकता है कभी समझ में नहीं पा रहे कैसे उच्चारण क्यों हो रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दिखाने वाले वीडियो के लिए वीडियो में लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूले। देखिए यहाँ पर अभी तक पी बी सी डी ई जी एच के एल एन तक का जो है साइलेंट लेटर्स से रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग थे उस पर मैं चर्चा हो चुकी है। अब चलिए आगे चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले अल्फ़ाबेट पे बात करते हैं। तो अल्फ़ाबेट की संख्या है 226, 26 के 26 अल्फ़ाबेट है जिसको ए बी सी डी कहते हैं। इसके दो पार्ट कर देंगे, ए ई आई ओ और यू। ये पांच जो है तो पांच हमारा भॉवेल है, और इसका उच्चारण जो है ये पांच भॉवेल का उच्चारण डबल ओ के साथ कुल 22 तरह से किया जाता है ना। आप सोचिए कि पाँच छः है लेकिन उच्चारण 22 तरह से। अब जो बचता है 21 कॉन्सोनेंट के लेटर, उसको अभी उच्चारण जो है दोस्तों कुल बात किया जाए तो 32 से 35 तरह से उसका उच्चारण किया जाता है। इन दोनों पर भी चर्चा होगी। वर्णमाला के दो हिस्से, एक स्वर जिसकी संख्या 14 है, अंग्रेजी और व्यंजन जिसकी संख्या 36 है। इन दोनों का अंग्रेजी भी आपको याद रखना होगा, नहीं तो आप हिंदी से अंग्रेजी नहीं कर पाएंगे, या किसी भी हिंदी से अंग्रेजी नाम नहीं लिख पाएंगे। ये बेसिक चीज़ है, इसलिए बहुत बात करना जरूरी है आपसे। तो इसके बाद ही आप देखेंगे कैसे जो है साइलेंट लेटर काम कर रहा है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे, क्योंकि जरूरी उच्चारण। देखिए वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर संख्या 14, यहाँ पर उच्चारण देखेंगे तो उच्चारण है अ आ ई ई उ री री। अंग्रेजी है अ का ए, डबल ए का अ का ए, बड़ा आ है उसका डबल ए, ज़्यादा सिंगल ए का इस्तेमाल हो, छोटी का आए बड़ी का डबल ई, उ का यू बड़ी यू का डबल ओ, री का आ रहा है बड़ी का आ डबल ई। उसका देखिए ए ए ओ औ अन अ, तो ए का दोस्तों ई, आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे, नहीं तो आप क्या होता है कि दिक्कत होती है हिंदी से अंग्रेजी करने समय, इसका मात्रा चिन्ह को भी ध्यान रखना होता है, जिसकी चर्चा मैं हमेशा करता रहता हूँ। लेकिन चूंकि अब फास्ट में चलना था, जानकारी देना है यहाँ पर, सिलेबस इसकी चर्चा हो रही है। अब देखिए व्यंजन जिसकी संख्या 36 है, 36 के 36 व्यंजन आधा माने जाते हैं। और देखिए किस व्यंजन, किसी भी एक व्यंजन में कोई एक स्वर ले लेते हैं, स्वर 14 में से कोई एक स्वर को ले लेते हैं, जब जुड़ जाता है दोनों तो वो एक हमारा अक्षर बन जाता है, अक्षर बन जाता है। अक्षर अक्षर को जुड़ के ही शब्द, शब्द से ही वाक्य बनते हैं। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अक्षर हमारा, ये आधा अक्षर है, ये सभी के सभी आधा अक्षर, क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब कि आधा अक्षर है। जैसे ये इस तरह से लिखा जाता है, और आधा अक्षर का मतलब ये हो गया ना, तो सभी ऐसे ही। उसके नीचे भी जो अंग्रेजी लिखा वो आधा ही माना जाएगा हिंदी शब्द में अगर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए लिखा गया है सत्य, ठीक है, सत्य लिखा गया है, और इसको अंग्रेजी का लिखना हो मतलब इंग्लिश के अनुसार, तो स से देखिए यहाँ पर होता है एस, यहाँ चूँकि ये कंप्लीट अक्षर है तो ए लग गया, टी से त, इसमें कोई भी स्वर नहीं जुटा है, वाई में जो है चूँकि य में यहाँ पर ये डंड, अगर हलंत नहीं लगा उसका मतलब ये कंप्लीट अक्षर है ना, तो यह ये जुट गया तो ये हो गया सत्य। तो दोस्तों सत्य देखिए, ये जो सत्य में है ए टी जो है टी जो है आधा है, यानी अगर आधा रहे तो आधा यानी सिर्फ सिंपल इंग्लिश आएगा, नहीं तो जो व्यंजन जिस व्यंजन के साथ जो भी मान लीजिए लिखा रहता, एक जैसा और ले लेते हैं सूर्य, ठीक है सूर्य लिखा रहता तो यहाँ पर बड़ी उकार है, यहाँ पर र का भी चिन्ह है, मात्रा चिन्ह है, इकली र है ये, तो यहाँ कैसे लिखते हैं सूर्य, इस तरह लिखते हैं ना सूर्य, सूर्य वाई के साथ यह जुड़ते सूर्य, क्योंकि नाम बड़ा है इसलिए ये जुटेगा, आर जो यहाँ आधा है तो इस तरह से भी लिखते हैं। तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आर होगा सिर्फ, र ऐसे भी लिखते हैं है ना, र देखिए ये हलंत लगा इस तरह से भी और इस तरह से भी अक्षर के नीचे लिखते हैं है ना, तो ये र हो जाता है। और ऐसे भी लिखते हैं जैसे कि ल में अगर लिखते हैं तो इस तरह से, म में से लिखते हैं तो इस तरह से है ना, अगर क में इस तरह से लिखते हैं तो ये देखिए ये भी री भी ऊपर से री भी हो गया, इस तरह से र के रूप में आता है। तो चलें आगे बढ़ते हैं, ये सब समझना था, आप समझ चुके हैं अच्छी तरह से। अब बात करते हैं तो कॉन्सोनेंट के ऊपर, कॉन्सोनेंट की संख्या है 121 और
21 कॉन्सोनेंट जो है, लेकिन इसका उच्चारण भी डिफरेंट तरह से होता है, जैसे कि मैंने 32 से 35 तरह बताया। देखिए यह बी को ब, सी को क, श, डी को ड, द, एफ को फ, जी को ग, ज, एच को ह, जे को ज, के को क, एल को ला, एम को म, एन को ना, टी पी को प, क्यू को क्यू, आर को राडा, एस को स, ज, टी को ट, था, और च स भी बोलते हैं। बी वी वी, ठीक है, वी नहीं वी, ठीक है, वी को व, भ, डब्लू को व। अब देखिए यहाँ पर एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को झ। देखिए सी क से भी क होता है और क्यू यू ई से भी क होता है। डी को डादा तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। जैसे एक वर्ड मिल लीजिए, ग्रे जू अली, ग्रेजुअली में डी को ज बोला जाता है, यानी डी ज के रूप में बोला जाता है। क्यू को क भी बोलते हैं। ई एक से जब वर्ड मिलने स्टार्ट होता है तो भी उसको एक्स ही उच्चारण करते हैं, हालांकि ये अलग चीज़ है। टी को ट तक कैसे बोलते हैं, जैसे कोई वर्ड मीनिंग में बहुत सारा मैं देखा, टी यू जब स्टार्ट रहे तो इसका मतलब होता है च, और टी आई बीच में मिल जाएगा तो इसका मतलब है श। अब देखिए एग्जांपल, देखिए टी यू आर ई को बोलते हैं चर, आर ई को चर, और टी यू ए एल को बोलते हैं चुअल। उसके बाद देखिए टी टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, और टी आई एल को बोलते हैं सीएल। तो ये चर है, चुअल है, शन है, सीएल है। चर, देखिए चर जो है ये सब सफिक्स वर्ड है, चुअल सफिक्स, शन सफिक्स, सीएल सफिक्स, ये सब जो है किसी वर्ड मीनिंग के आपको के अंत में, ये आपको अंत मतलब अंत में ही मिलेंगे, कभी कभी अंत से पहले भी थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन हो जाता है। जैसे एग्रीकल्चरल में चर तो आता है लेकिन लास्ट में अल आता है ना, एक्चुअल, जैसे फर्नीचर है, नेचर है, कंडीशन है, सेल है, इस तरह से। तो ये सब समझना होगा और ये आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब बात करते हैं तो साइलेंट लेटर से रिलेटेड कैसे पढ़ा जाता है। दोस्तों साइलेंट लेटर पी, जी हाँ, पी जो हमारा लेटर है कॉन्सोनेंट का, ये साइलेंट कब हो जाता है, कैसे साइलेंट इसे समझेंगे। तो यदि किसी शब्द में, यानी किसी अंग्रेजी के इंग्लिश वर्ड मीनिंग में पी आया हो, ठीक है, पी आया हो, उसके तुरंत बाद टी भी आ जाए, उसके तुरंत बाद टी आ जाए तो पी साइलेंट हो जाए। कहने क्या मतलब है, कोई वर्ड मीनिंग है उसके वर्ड मीनिंग में पी आ जाए, ठीक है, कहीं भी उसके जस्ट तुरंत बाद टी आ जाए तो पी को क्या कहेंगे, साइलेंट रख देंगे, यानी पी का उच्चारण नहीं करेंगे। जैसे यहाँ देख रहे हैं पी है, पी के तुरंत बाद टी आया है तो पी का उच्चारण नहीं करना है। यहाँ भी देखिए पी है, पी के तुरंत बाद टी आया है तो यहाँ पर पी का उच्चारण नहीं करना है। तो करना क्या है भाई, कैसे पढ़ेंगे, अब रिसिप्ट लोग पढ़ते हैं आप पर, रिसिप्ट, अब देखते होंगे रिसिप्ट, यानी कि जब कोई चीज़ देते हैं तो लिख कर कागज़ में चीज़ थमा दिया जाता है, यानी कि आपने मुझे आपने कुछ चीज़ जमा किया है या उसके बदला में एक दे दिया गया कि भाई मैंने आपसे ये चीज़ लिया है, एक है ना पावती से हिंदी में बोलते हैं रिसिप्ट को। तो इसे रिसिप्ट ना पढ़ें बल्कि इसे रिसीट पढ़ें, रिसीट को साइलेंट कर दिए, रिसीट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट, अब प का लोग उच्चारण कर ही बैठते हैं, यहाँ नहीं करना है, कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट, ना कि कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट, सीधा पी को साइलेंट करना है। और देखिए पी से बहुत सारा है, यदि शब्द का प्रथम अक्षर पी हो, यानी वर्ड मीनिंग का इंग्लिश वर्ड मीनिंग का पहला लेटर पी हो जो कॉन्सोनेंट है, इसके तुरंत बाद एस आ जाए, जैसे पी के बाद एस आ जाए, पहला पी है तो बड़ा हो जाएगा, ये आप छोटा भी लिख सकते हैं पी एस, है ना, यानी पी एस में पी पहले आता है, एस बाद में आता है, तो पी का उच्चारण नहीं होगा, यानी पी साइलेंट रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे पी के बाद हमारा एस आ गया है, पी के बाद एस आ गया है, तो यहाँ पर पी के बाद एस आया तो सिर्फ एस से उच्चारण करेंगे, सीयूडो सीयूडो सीयूडो। अब देखिए यहाँ पर साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी, ये सीयूडो, ये साइकोलॉजी, तो वो ना दो तरह से यहाँ पर दो बात है, एक तो पी टी, एक और पी एस। उसके बाद एक और देख लीजिए, इसी प्रकार पी के तुरंत बाद एन या टी हो तो भी पी साइलेंट रहेगा, यदि पी के तुरंत बाद एन हो या पी के तुरंत बाद टी हो, तो टी वाला तो मैंने बता ही दिया, एन वाला देखिए यहाँ पर, तो देखिए इस तरह से पी के तुरंत बाद टी एन हो तो भी जो है पी साइलेंट रहेगा। पढ़ेंगे क्या, न्यू, इस यहाँ से पढ़ेंगे एन से,
न्यूमोनिया लिखा हुआ है ना, न्यूमोनिया में पी साइलेंट है। अब जबकि पी के तुरंत बाद टी है, लास्ट में तो था ही लेकिन कोई जरूरी नहीं है, शुरुआत में भी हो सकता है। तो टी से पढ़ेंगे आइए टोमेन, टोमेन है ना दोस्तों। ये था पी से रिलेटेड। तो चलिए अब टी वाले देखते हैं। टी, टी किसी शब्द में टी के ठीक पहले, इस शब्द में टी के ठीक पहले जो है, चाहे तो एफ आ जाए चाहे तो एस आ जाए, तो क्या होगा, टी जो है साइलेंट रहेगा। टी के जस्ट पहले एफ या एस रहेगा तो, यानी इस तरह से एस टी रहे आप देखें कहीं या एफ टी देखें तो ये टी जो है साइलेंट रहेगा। जैसे देखिए कैशल, इसमें टी जो है ठीक है, टी के जस्ट पहले एस है तो टी साइलेंट है, टी के जस्ट पहले एस है तो टी साइलेंट है। कैसल, लिसन, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे लिस्टन पढ़ते हैं, लिस्टेन, टी एन को रखते ध्यान में, और लिस्टेन है ना। विस्टल, विसल नहीं पढ़ते हैं, हालांकि विसल में तो कन्फ्यूजन नहीं है लेकिन लिस्टन में कन्फ्यूज लोग हो जाते हैं। विसल, एस टी के पहले एस आ जाता है तो टी क्या हो जाएगा, टी कह लेगा, टी जो है साइलेंट हो जाएगा। चले अब देखिए यू वाला भाई, यू के बाद जी आए और यू के पहले ए आए तो यू साइलेंट हो जाता है। जैसे यू के बाद, यू के बाद देखिए यहाँ पर थोड़ी जी के, यू के बाद नहीं दोस्तों, इस तरह से ध्यान रखें, पहले नहीं बाद में हो जाएगा। जैसे कि यू के पहले जी आए, जी हाँ, तो यू के पहले जी आए और या यू के बाद में ए आए, तो यू है, यू के पहले जी आया और यू के बाद में ए आया, दो चीज़ें हैं, दो कंडीशन है, तो जो है यू जो है साइलेंट रहेगा। यू के पहले जी आ जाएगा तो जो है यू साइलेंट रहेगा, या यू के बाद ए आएगा तब भी जो है यू साइलेंट रहेगा, है ना। यू साइलेंट रहने का दो कंडीशन हो गए। तो चलिए अब देखिए डब्लू वाला में देखिए, यदि शब्द का पहला अक्षर डब्लू रहे, शुरुआती डब्लू रहे, उसके तुरंत बाद आर आ जाए, यानी कि डब्लू से स्टार्ट हो उसके जस्ट बाद आर आए तो डब्लू का उच्चारण नहीं होगा, यानी डब्लू जो है साइलेंट हो जाएगा, उसका उच्चारण नहीं करेंगे। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल में डब्लू के बाद आर आ गया तो डब्लू का उच्चारण नहीं किया गया, रिस्ट पढ़ते हैं इसे, डब्लू के यानी डब्लू के बाद आर आया तो डब्लू का उच्चारण नहीं हुआ, रैपर पढ़ेंगे। डब्लू का उच्चारण, डब्लू के बाद आर आया तो डब्लू का उच्चारण नहीं करेंगे, क्या पढ़ेंगे, राइट, राइट कर पढ़ेंगे इसे। तो ये जो टी यू डब्लू, अब चलें जो है तो इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे पी के बारे में देखेंगे, पी के बारे में तो चर्चा हो चुकी थी कि पी के बाद जब एस आए तो पी जो है साइलेंट होगा। तो ये है दोस्तों पी जो है साई, यहाँ से पढ़ते हैं साई, अब एस्ट भी यहाँ साइलेंट ही है, साइकोलॉजी दो दो है। न्यूमोनिया, पी साइलेंट है, पी के बाद जो है एन भी आता है ना, जैसा कि मैंने बताया पी के बाद अभी एन आया, पी के बाद एस आए तो भी पी साइलेंट ही होगा। तो देखिए न्यूमोनिया एग्जाम्पल था दोनों, पी के बाद एस आ गया है तो सिर्फ पी साइलेंट हो जाएगा। स्यूडो, फिर देखिए पी के बाद एस, साइकाइट्रिस्ट, पी के बाद एस साइकाइट्री, अब देखिए साइक, साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी तो आपने नाम सुना ही होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए साइकोटिक, साइकोटिक, एच यहाँ साइलेंट है, एच यहाँ साइलेंट है, एच यहाँ साइलेंट है, एच यहाँ साइलेंट है, ये भी साइलेंट है लेकिन हर पी की बात हो रही है, साइकोटिक फिर से रिपीट है। अब देखिए यहाँ पर जो है रिसिप्ट आ गया है तो पी के जस्ट बाद देख रहे हैं कि पी के जस्ट बाद जब टी आए या लास्ट में पी टी रहता है या कैसे भी पी के बाद जब टी आए तो पी जो है साइलेंट रहेगा, असिप्टा का उच्चारण हो गया। इसे क्या पढ़ते हैं, रिसीट, न कि रिसिप्ट पढ़ते हैं। अब देखिए सी के पी के पहले यू आए तब भी जो है पी को यहाँ पर इस तरह से लिखें तो क्या है, साइलेंट रहेगा एल, तो यहाँ देख कपल। अब दोस्तों यहाँ पर जो पी, यहाँ पर सी ओ यू पी पढ़ रहे हैं
तो पी यहाँ भी साइलेंट हो जाएगा क्योंकि यू के पहले पी आया है, तो या इसे क्या पढ़ेंगे, कू पढ़ेंगे, कू कू पढ़ेंगे ना कि कुप पढ़ेंगे। इसे देखिए यहाँ पे कब कबोर्ड, कब कबोर्ड ना कि कपबोर्ड बोलते हैं, कबोर्ड। ये नेक्स्ट टी अब पे आते हैं, टी का जो है कैसे क्या है, टी के बाद जब एल आए तो क्या पढ़ते हैं, टी को साइलेंट रख दिया जाता है, एल का उच्चारण होता है एप्सॉल। फिर भी देखिए टी के बाद जो है एल आएगा तो भी पढ़े, यहाँ टी के बाद जब एल आए तो क्या पढ़ेंगे, ब्रिसल, टी को साइलेंट कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर बस, तो दोस्तों ये यहाँ भी एल है, टी के बाद एल है तो टी जो है साइलेंट हो गया, उच्चारण होगा बसल, क्या पढ़ेंगे, बसल। नेक्स्ट है कैशल पढ़ेंगे, टी चूँकि एल के टी के बाद एल आ गया है तो भी यहाँ पर कैशल इसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर कैशन, यहाँ जो है यहाँ भी जो है टी साइलेंट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है टी के बाद ई आया तो भी जो इसे ग्लिसन, ग्लिसन पढ़ेंगे, जैसे लिस्टन आप पढ़ रहे थे गलत है ना, लिसन पढ़ना है, टी साइलेंट था लिसन में, तो उसी तरह यहाँ भी देखिए। दोस्तों यहाँ पर एक बात और, थोड़ा सा रूल्स को ध्यान से फिर से रखें क्योंकि बोलते समय कभी कभी गलतियाँ होती है। देखिए टी के पहले जो एल तो है ही, टी के पहले एस भी आए, जी हाँ टी के पहले अगर एस आता है तो भी टी साइलेंट होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी जगह टी के पहले एस आ रहा है, ये भी आ रहा है, एल भी आ रहा है, तो टी के पहले यहाँ एस आ गया तो टी जो है साइलेंट होगा, इसका उच्चारण टी के पहले यहाँ एस आया तो क्या हुआ, ग्लिटेन, क्या पढ़ेंगे इसे, ग्लिस, टी साइलेंट होगा तो ग्लिसन, ग्लिसन, ठीक है ग्लिसन। उसके बाद देखिए हर्षल में टी के पहले एस और टी के बाद एल है तो टी जो है साइलेंट है हमारा हर्षल। यहाँ देखिए लिस्टन पढ़ते हैं तो देखिए टी के जस्ट पहले एस अगर आ गया तो टी साइलेंट हो गया, पढ़ेंगे लिसन, और ई भी है तो भी एक ही बात है, यहाँ भी देखिए एस टी ई है, तो टी के पहले एस आ गया और टी के बाद जस्ट बाद ई आता है तो टी साइलेंट, जैसे मोशन, मोशन। नेक्स्ट है अब जैसे इसे ऑफ्टन लोग पढ़ते हैं तो टी के जब एफ, टी के पहले अगर एफ आ जाए तो भी टी साइलेंट हो जाएगा, जैसे कि टी के पहले एफ आ गया तो टी साइलेंट हो गया, क्या पढ़ेंगे इसे, ऑफेन ना कि ऑफ्टन पढ़ेंगे। अब यू पे आते हैं तो यू में देख रहे हैं यहाँ पर यू कैसे, तो पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, तो ये जो वर्ड मीनिंग आप देख रहे हैं सबको अच्छे से समझिए, यू का पहले क्या कुछ कैसे होगा ताकि आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि रूल्स यूज़ करने से समझ में आएगा, लिख लिख के इसको समझना होगा तभी अच्छे से आप याद कर पाएंगे इसे। तो चलिए फिर से आप समझाने का मैं प्रयास करता हूँ ताकि आप अच्छे से क्लियर हो जाए पर कि यू का क्या रूल रेगुलेशन है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये मेरा यू वाला है लिस्ट है, अब इसमें पढ़ने का प्रयास करें कि यू आखिर क्या कॉमन बात है, सोचने की बात है। तो कॉमन बात ये है दोस्तों कि यू के पहले जी आ जाए है ना, और उसके बाद यू के पहले जी आ जाए और यू के, ठीक है, यू के पहले जी आ जाए और यू के बाद में ए आ जाए तब यू जो हमारा हो जाएगा साइलेंट, ठीक है। तो जैसे यू के पहले जी आ गया है तो ये वर्ड्स देख रहे हैं जहाँ यू के पहले जी है, तो यू के पहले जी ये भी है तो एंटीक, एंटीक, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर यू के पहले जी है तो यहाँ जी नहीं जबकि क्यू, कभी कभी क्या है कि यू के पहले क्यू भी आ जाए या तो भी आपको समझना होगा इसी तरह से। तो एंटीक क्या है, एंटीक, तो ये एंटीक है। अब देखिए बैगेट, बैगेट जिसमें यू जो है साइलेंट है, बिस्किट, क्या पढ़ते हैं, बिस्किट, क्योंकि यू को साइलेंट कर दिया गया इसी कारण बिस्कुट, लेकिन लोग तो बिस्कुट ही बोलते हैं हिंदी में, बिस्किट नहीं बोल पाते हैं लोग हिंदी वाले, तो क्या होता है बिस्किट से बिस्कुट हो गया है जो गलत हो जाता है, बिस्किट, क्योंकि यू साइलेंट है, बिस्किट में यू साइलेंट है। अब देखिए बिल्ड क्या है, बिल्ड न कि बोइल्ड, इसको बिल्ड पढ़ेंगे, यू यहाँ भी साइलेंट है। इसके बाद क्योंकि यू के पहले बी है,
इसके बी के यू के पहले यहाँ भी याद समझे कि यू के पहले जब बी आ जाए तो भी क्यू आ जाए तो भी जी आ तो भी यू साइलेंट ही होता है। यहाँ भी देखिए यू के पहले बी है तो बिल्डिंग, यू के पहले यहाँ भी बी आया तो बिल्ट, यहाँ देखिए यू के पहले सी आ जाए, सी आ गया तो भी यहाँ पर, यहाँ भी आपने देखा कि यू के पहले जो है यू के पहले सी आ गया था, सी आ गया था तो सी जो है उच्चारण हुआ था, यू का उच्चारण नहीं हुआ था। तो सर्किट, सर्किट में यू का उच्चारण नहीं होगा इसलिए सर क्यूट नहीं पढ़ेंगे, सर्किट पढ़ेंगे। उसे डिसगाइज, यू का उच्चारण यहाँ भी नहीं हुआ है, साइलेंट कर दिया गया है, वाई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है, एस को ज बोला गया था, डिसगाइज। फिर देखिए गेस, ई यू यहाँ भी साइलेंट है, जी यू के पहले जी आ गया, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया था यू के पहले जी आए तो गेस्ट, यू के पहले जब जी आ जाए तो यू का उच्चारण गायब हो जाएगा और मतलब साइलेंट हो जाएगा और उसके बाद वाला जो लेटर है उसका उच्चारण होगा, जैसे यहाँ गेस इसे पढ़ते हैं गेस्ट। चलिए अब और देखते हैं यू से रिलेटेड, गाइड में यू आ गया, यू आ गया जी के बाद यू आया, यानी कि यू के पहले जी आया तो यू का साइलेंट हो गया, उच्चारण है गाइड, इसे पढ़ें गिल्ड, क्योंकि यू के पहले यहाँ भी जी है तो यू जो है यहाँ पर साइलेंट हो गया। फिर देखिए यहाँ भी यू साइलेंट है क्योंकि यू के पहले जी है, या कह सकते हैं जी के बाद जब यू आए तो, लेकिन चूंकि यू पे हम लोग को फोकस करना है, यू साइलेंट चेक करना है, तो यू के पहले जी देखना है, सी देखना है ना, क्यू देखना है, इस तरह के वर्ड देखना है। तो उसके बाद देखिए यू के पहले फिर देखिए जी, तो भी यहाँ पर इसे पढ़ते हैं गिल्ट, ये गिल्टी हो गया, यू के पहले जी है इसे गाइस पढ़ेंगे, क्योंकि यू जो है साइलेंट हो गया, वाई का उच्चारण आई के रूप में ऐसी को इसको जब बोलते हैं तो गाइस हो गया यू। अब गिटार का स्पेलिंग देखिए, इसमें यू जो है साइलेंट है, जी आई टी ए आर का उच्चारण हो रहा है, न कि यू का, यू को साइलेंट कर दिया है, लेकिन लिखने में तो आएगा ही काम। उसके बाद लीग, लीग यू के पहले जी आ गया तो उच्चारण भी हो गया, यू को साइलेंट कर दिया गया और जी ई का उच्चारण हुआ है तो लीग। उसके रोग, यू का उच्चारण यहाँ भी साइलेंट हो गया तो हो गया रोग। उसके देखिए वेग, वेग वेग हो गया, ए के बाद ई आता है तो उच्चारण ए का ए के रूप में आता है, यू को तो साइलेंट कर ही दिया गया है तो यू यहाँ भी साइलेंट हो गया है क्योंकि इसके पहले जी आया, सभी में जी आया, इधर जी वाला सीरीज है उधर डिफरेंट फिक्स मिक्स था तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा आपको। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए सिलॉट, ठीक है सिलहुट, ठीक है सिल सिलहुट, क्योंकि ये जो है यू यहाँ पर साइलेंट है सिलहुट। तो ये था यू दोस्तों। अब देखिए डब्लू वाला, देखिए तो डब्लू वाला पहले वर्ड देखिए, जैसे सिंपल है डब्लू वाला में कि डब्लू के बाद जब आर आ जाए तो डब्लू जो है साइलेंट हो जाता है, आर का उच्चारण होता है, तो ये सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे देखिए ससुर में सभी जगह शुरुआत डब्लू से ही जब हो और उसके बाद आर आ जाए, डब्लू के बाद आर आ जाए तो डब्लू का उच्चारण जो है साइलेंट हो जाएगा। तो क्या पढ़ेंगे, रैंगल, रैप, रीट, रेक, रेंच, रेसल। अब टी के पहले एस आ गया, टी के बाद एल आ गया तो टी का तो उच्चारण यहाँ भी गायब हो जाएगा, टी साइलेंट हो गया, यानी कि इस वर्ड में रेसल में डब्लू भी साइलेंट है, डब्लू भी साइलेंट है, टी भी साइलेंट है। यहाँ देखिए रीगल, उसके देखिए एक और देख लेते हैं रिंग, अब ये रिंग वो रिंग नहीं, फिंगर रिंग नहीं है, रिंग। राइट, राइट तो समझते हैं राइट में लिखना होता है, डब्लू यहाँ पर साइलेंट है। रॉन्ग में भी डब्लू साइलेंट है। आंसर, अब बोलते हैं लिखते हैं आंसर, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि आंसर लिख रहे हैं लेकिन डब्लू क्यों लिख रहे हैं, आंसर में डब्लू की क्या जरूरत है। तो जो दोस्तों ये जो डब्लू है, अब बता दीजिए उनको कि आंसर में जो डब्लू है वो है साइलेंट है, ठीक है, तो साइलेंट लेटर की तरह काम आता है ये आंसर। नेक्स्ट है सोड, जिसमें डब्लू को सोड बोलते हैं, सोड मीन्स तलवार, तो ये डब्लू जो है साइलेंट है तो एस का ही उच्चारण हुआ है तो सोड हो गया। टू वॉट्स, टू वॉट्स, ठीक है टू वॉट्स, टू आर्ट्स हो गया तो टू आर्ट्स, यहाँ डब्लू साइलेंट है। टू बोलते हैं टू, तो टी ओ उच्चारण हो रहा है जबकि डब्लू को यहाँ पर साइलेंट कर दिया गया है। तो ये दोस्तों ये था उच्चारण कैसे कैसे होना है, तो इसमें जो भी अभी समस्या होगा तो फिर से कोई वीडियो जरूर वीडियो को देखें।
और हमारे वीडियो को डे वन से देखने के लिए ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब सर्च में गूगल पे टाइप के सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। तो अगर आपको पढ़ने नहीं आता तो वीडियोस बहुत सारे हैं, 100% सीखेंगे, लिखना सीखेंगे और बोलना सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। विथ इजी स्टेप्स तो ग्रामर की बुक के लिए आ सकता है, ना ही मोटिवेट डिक्शनरी खरीदने का हो सकता है। जो कुछ छोटे मोटे बेसिक वर्ड उसको मैंने बता दिया, उसको आप जब वीडियो देखेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको कॉपी पे लिखिए ताकि आप हमारे वीडियो से रिविजन के और लिखते समय बोल बोल के लिखिए, जैसे कि बोलने भी आ जाए। तो चलिए अब जो है दोस्तों, वोवेल को हमेशा याद रखें, इसके लिए तरीका यही है दोस्तों कि तो ये जो है सभी वोवेल में आ तो उच्चारण होगा ही। कॉमन वर्ड पढ़ने के लिए ई आई में जो है ई को पढ़ लीजिए, बढ़ा दीजिए, तो ई का उच्चारण अ आ ई, ऊ का आई का उच्चारण अ आई, और ओ यू डबल ओ में जो है ऊ पढ़ लीजिए दोस्तों, उसका उच्चारण अ आऊ आऊ आऊ। तो बस इसी तरह से जो है आपको समझना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते समय प्रैक्टिस करना होगा, हर एक वर्ड्स पे लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों ये था मेरा जो साइलेंट लेटर के ऊपर बहुत सारे जो वर्ड नहीं थे, अब इतना वर्ड्स को याद ना करके पैटर्न को तरीके को याद कर लीजिए। दोस्तों बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वैसे लोगों जिनको वाकई में वर्ड मीनिंग्स को उच्चारण करते समय दिक्कत होती है, समझा और परेशानियाँ होती हैं। नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जरूरी है घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए, ताकि वीडियो के क्या होगा पता चल सके। और प्ले स्टोर से, जी हाँ दोस्तों, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना बोले, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है, चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका यहाँ टच करके कुछ, और प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर है, हालांकि वीडियो के नीचे भी लिंक दिया गया है तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं हमारे वीडियो पे। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो, तो ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद।